नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई। एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको पता है कि विदेशों में खास तौर से गल्फ कंट्री में मजदूरों के हालात, जी हाँ आप सब ने वो वीडियो देखा भी था, अच्छा वो चल भी रहा था। ये वीडियो मैंने आपको पता है कि ये गंगाधर नाम का हैदराबाद साइड का एक वर्कर था ओमान में OIG कंपनी में, जी हाँ आप सबको पता ही होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। उसमें मुझे वर्कर की तरफ से एक वीडियो आया था, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, उसमें बताया गया था भाई कंपनी उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही है, लापरवाही की जा रही है, शरीर में बदबू आ रही है, हो सकता है ये अगले महीने तक जीवित न बचे, इस तरह से मैंने वीडियो बनाया था। तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि हो सकता है कंपनी पहले से ट्रीटमेंट करवा रही होगी या फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट करवाया होगा, वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। मेरे पास में वीडियो डालने के 4 से 5 दिन के बाद में कंपनी के ऑफिसर की तरफ से कॉल मैसेज आया व्हाट्सएप पे, जी हाँ मैं आपको दिखा दूंगा पूरी स्टोरी, आप बताऊंगा कि वो किस तरह से ये बातें झूठी साबित हुई हैं या होने की कोशिश की गई है या गंगाधर का इलाज कंपनी ने करवाया। तो ये वीडियो आप लोगों को देखना ज़रूरी है भाई कि कोई भी गंगाधर हो सकता है कंपनी में। हालांकि इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं तो वर्करों पे ध्यान नहीं देती, ये बात तो फैक्ट है, इसको तो हम झुटला नहीं सकते। जो कंपनी के वर्कर ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है अच्छी बात है, उसका इलाज भी कंपनी ने करवाया ये अच्छी बात है, और भी हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें गलत इसलिए हो जाती हैं कि यार आप लोग अगर वीडियो किसी के साथ शेयर करते हैं तो कंपनी कई बार आप लोगों की गलती की वजह से कंपनी को झूठी बदनामी सहन करनी पड़ती है। जी हाँ, अब एक अच्छी लेवल की कंपनी होती है और उसकी मार्केट में साख जिसको वैल्यू बोलते हैं वो फिर कमज़ोर पड़ती है, मजदूरों के सोच में, वर्करों की सोच में, या फिर कहीं पर भी आप देख लो उसकी जो रेपुटेशन है, जो TRP जो रेट है वो घट जाती है फिर, कि यार देखिए ये कंपनी ऐसी है, अच्छा इलाज नहीं देती, तो वर्कर उस कंपनी में जाना पसंद नहीं करते। तो इसका हम डिटेल से रिव्यू करेंगे इसके बारे में कि गंगाधर का जो वीडियो बनाया था उसमें कितनी सच्चाई थी, कंपनी ने उसके पक्ष में क्या किया, कितना उसके ऊपर कंपनी अब तक खर्चा कर चुकी है, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये स्टोरी अब तक जो बताई वो पहले की थी, उसके 4-5 दिन के बाद में कंपनी के कोई ऑफिसर थे उनका मेरे पास कॉल आया, जो इंडिया के ही हैं, उन्होंने कॉन्टेक्ट करने की मेरे से कोशिश की। आपको पता भाई इतने सारे मैसेज कॉल आते हैं तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, रियली होता है जिसको, तो वो फिर आपकी पे फीस करके मेरे से बात, तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि गंगाधर से रिलेटेड हमें बात करनी है आपसे, आपने एक वीडियो बनाया था उसका हमारी कंपनी पे साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है वर्करों में ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फिर पूरी मेरे को एक डिटेल भेजी गंगाधर के नाम से कि देखिए सर हमने इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाया है, 7,000 ओमानी रियाल उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, 192 का अभी करेंसी का भाव चल रहा है आपको पता है ओमान में, जी हाँ। और ये वीडियो कहीं ना कहीं गलत बनाया गया है, उनका कहना ये था कि हमने मजदूर जो गंगाधर है वर्कर है कंपनी का उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने वीडियो बनाया, तो हो सकता है ये वीडियो बनाने में लेट हो गई या हो सकता है कुछ भी रीज़न रहा होगा। बाकी कंपनी ने मुझे एविडेंस भेजे हैं, मैं आपको इसके माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे मोबाइल पर ये सर हैं, इन्होंने पूरे एविडेंस भेजे, इसमें साफ साफ ये बातें लिखी हैं कि भाई 7,000 रुपये इसका चार्ज लगेगा, 3,000 रुपये आपको एडवांस डिपॉजिट देने हैं कंपनी की, तो कंपनी को मेल किया गया है हॉस्पिटल की तरफ से, उसके बाद में कंपनी ने उनका पैसा जमा करवाया है, उनका ट्रीटमेंट करवाया है, और उनका ये कहना है कि भाई अब तक हमने 15 लाख रुपये इंडियन करेंसी के भाव से बात करें तो गंगाधर पे खर्च कर चुके हैं। जी हाँ, हमने कोशिश भी की, इंडियन एम्बेसी पे से भी कॉन्टेक्ट किया कोरोना काल में, क्योंकि इंडिया अगर उनको घर भेजा जाता है तो उनकी अलग से सीट बुक की जाती है, व्हीलचेयर पे वो बंदा आता है तो उसकी मंजूरी हमें नहीं मिली, ऐसा कुछ उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी कि हम वर्करों का ध्यान रखते हैं, हमारी कंपनी भी वर्करों का ध्यान रखते हैं और उनका इलाज भी हमने करवाया, इतना खर्चा हुआ है, पूरी ईमेल वगैरह उनकी जो आई थी मुझे, पूरी ईमेल वगैरह इन्होंने डाली है आप देख सकते हैं। फिर मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस वीडियो को आप डिलीट किया जाए क्योंकि हमारी कंपनी की साख खराब होती है। मैं बोला ठीक है जी, हम वीडियो कोई पैसा लेके तो हमने वीडियो बनाया नहीं है, गंगाधर से भी कोई पैसा नहीं लिया, नहीं हमसे आपसे कोई पैसा ले रहे हैं कि भाई वीडियो डिलीट करवाने के आप पैसा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बात उन जिसका वीडियो हमने बनाया है गंगाधर से उनसे हो जाती है तो हम वीडियो उनसे सर्टिफाई होके, मतलब लगे कि रियल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम वीडियो हटा देंगे। उनका फिर दूसरे दिन मैसेज कॉल आ गया कि सर वीडियो बनने में कुछ लेट हुआ, कुछ हमारी गलती थी, कंपनी ने ट्रीटमेंट करवाया है, करवा रही है और उसका खर्चा भी कंपनी वहन कर रही है। तो हमें लगा कि भाई चलो ठीक है, ऐसी बात है, बंदे का काम हो रहा है तो हमें वीडियो डिलीट करने में, प्राइवेट करने में कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हमने कंपनी वीडियो प्राइवेट कर दिया ताकि किसी को दिखे नहीं, कंपनी की साख बनी रहे। और मैंने उनको ये भी बोला कि भाई अगर कंपनी ट्रीटमेंट वर्कर का कर रही है तो हमें कंपनी के पक्ष में वीडियो बनाने में भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी अच्छाई की वीडियो भी बनाएंगे, बुरा काम कर रहा है तो बुराई की बनाएंगे, नो डाउट। तो अभी कहने का शॉर्ट है मतलब ये है कि कंपनी गंगाधर का इलाज कर रही है, ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, खर्चा भी उसके पास हुआ है 15 लाख के आसपास, 7,000 ओमानी रियाल ऐसा कुछ बताया गया है, और उसका उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया आने की नौबत न पड़े। अगर इंडिया आ भी जाए तो भाई कंपनी पूरा खर्चा करके उसको घर तक पहुँचाएगी। और कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा पहले ये देख लें कि झूठा वीडियो न बने। कहने का मतलब है कंपनी ट्रीटमेंट, ये तय बात है कि कंपनियां इलाज बहुत कम करवाती हैं, लापरवाही करती हैं, आई एक्सेप्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा चलो कंपनी कर रही है, उसके बावजूद थोड़ा सा कंपनी के विपक्ष में बोलना मैं समझता हूँ कि गलत है। बाकी कंपनी गलत है तो उसके सामने आराम से मेरे पास वीडियो शेयर किए कीजिए। कंपनियों की वाट लगाना हमें अच्छी तरह से आता है कि किस तरह से कंपनी की वाट लगाई जाए ताकि वो कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि वो लेबर हित में सबसे पहले कदम उनके हित में उठाए, बाकी के काम बाद में करें। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।